जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज नहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की अंधेरी पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, शराब ने तेरे होश इस कदर बर्बाद कर दिए कि तू अपने बाबूजी का अदब करना भी भूल गया। वो किसी सम्मान किसी अदब के हकदार नहीं है माँ, क्योंकि वो बाप नहीं जल्लाद है, जल्लाद। आप लोन तो लेते हैं मगर हर बार डिफॉल्ट कर जाते हैं। आपकी रेकलेस बोरिंग किसी दिन आपको ले डूबेगी। कुछ दिन मैं और इंतजार करूंगा मिस्टर चोपड़ा, उभरना नतीजा आप जानते ही हैं। उन्होंने मुझे नहीं अपनाया, शराब को अपनाया और अब तो वो बाबूजी के कारोबार से भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता। इस बार रकम काफी बड़ी है, कोलैटरल गारंटी देनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। मुझे माफ कर दो आरती। इतनी रात गए तुम यहाँ? मैं विशाल का इंतजार कर रही हूँ। बेहतरी, विशाल एक भटका हुआ मुसाफिर है, वो अपनी मंजिल खो चुका है, उसके लिए अपनी नींद क्यों हराम करती हो? Thank you.
अच्छा बीवी, अच्छा रहा इतना जर्द क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? जी, मैं कल रात भर नहीं सो पाई। अशरफ मियां की याद आई थी? नहीं, मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। ख्वाब कभी बुरा नहीं होता सारा जी। बताइए आपने क्या देखा? जी, मैंने देखा कि हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वो लोग जो कल तक हमारे दोस्त थे, वो हमारे दुश्मन बन गए। सहाबा जब हमारे प्यारे नबी के पास किसी ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए जाते थे ना, तो वो फरमाते थे कि हमेशा अच्छी ताबीर सोचा करो। सर बीवी, ख्वाब बजायर अगर बुरा भी हो तो ताबीर उसकी उल्टी भी हो सकती है। आपने कोई बुरा ख्वाब नहीं देखा है। ये आप कैसे कह सकते हैं खान साहब? क्योंकि बुरा ख्वाब हमेशा बुरे लोग देखते हैं, अच्छे लोगों को तो बशारत होती है। मैं उनमें से नहीं हूं खान साहब। अगर मैं अच्छी होती तो मुझ पर इस तरह से मुसीबतों के पहाड़ न टूट पड़ते। कैसे दे मिर्चे? ये 12 दाना 6 रुपए। 12 दाना 6 रुपए? 4 रुपए से वो दे रहे हैं, वहाँ से ले लूं? और ये फर्क, चलिए दीजिए अभी 12 दाना 4 रुपए। हाँ हाँ, वहाँ भी ताजी है। ये कैसे दिए? 5 रुपए? 2.5 रुपए लगा के एक दीजिए। सारा बीबी क्यों बहस करता है, वाजिब कीमत लगाते हैं वो। सब आप रहने दीजिए, आपको पता नहीं लूट मचाई हुई इन लोगों ने। सामान अच्छा है ना ये? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। डालिए, चलिए, हमेशा आप ही से लेती हूँ मैं। ये लीजिए, कितने हुए? 2 रुपए का चाहिए। ठीक है, कितने हो गए? 8 रुपए। ये तरबूज कैसे दिए? तरबूज 1 किलो 2 रुपए। ये लो, गाड़ी के दरवाजे। 2 रुपए बाद में ले लेगा। चल सर, तरबूज ले लेते हैं ना? चलते नहीं, चलो खान साहब, पैसे तो ले लेते आप उससे। बाद में ले लूँ। आदाब अर्ज करता हूँ गुल साहब। आदाब। देख रहा हूँ कि मुरझाए हुए फूलों पर फिर अचानक बाहर आने लगी, क्या ख्याल है? ये मौसम का असर है या फिर कुछ और? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तुम जाओ यहाँ से। बात नहीं करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन अपनी रवादारी का मत भूलिए। क्या मतलब? यही कि इन मोहतरमा से आप मेरा परिचय, मेरा तारुफ नहीं करवाइएगा। हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि दरअसल मैं खुद तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। मैं चाहता है कि आज से तुम और मैं दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाए। खुदा हाफिज़। बड़ा उम्दा ख्याल है, दाद देनी पड़ेगी गुल साहब। बड़ा अच्छा तरीका सोचा है आपने अपने राज को पर्दे में रख। तुम कहना क्या चाहता है? यही कि अजनबियत की दीवार के पीछे आपको अपना राज छुपाना बहुत आसान हो, यही चाहते हैं ना? क्या तुम मुझको भी अपनी तरह फरेबी, धोखेबाज और अय्याश समझता है, जिसे अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए सफेद पर्दा डालना पड़ता है? अगर पर्दा डालने की जरूरत नहीं है तो आप बताते क्यों नहीं कि औरत कौन है और आपके साथ क्यों है? मैं तो जैसा भी हूँ दुनिया के सामने हूँ, लेकिन दुनिया आपको एक नेक और शरीफ इंसान समझती है। अगर दुनिया को पता चल गया कि इस बुढ़ापे में आप इस औरत के साथ रंगरलियां मना रहे हैं। तुम बीच में मत आओ, मैं इस कमबख्त सबक सिखा के जोड़ेगा। खान साहब, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है, इस भरे बाजार में मेरे तमाशे मत बनाइए। तमाशा तो अब आपका बनेगा गुलखान, और सारी दुनिया देखेगी। देख लिया भाई साहब, देख लिया इस बूढ़े को? हर रोज अकेला आता था, आपके यहाँ से सब्जियां खरीदता है ना हर रोज, और आज देखो एक जवान लड़की के साथ आ रहा है। देखिए क्या होगा, उम्र का तकाजा है कि नहीं? उम्र का तकाजा उसने नहीं रखा है, एक जवान औरत के साथ रंगरलियां मना रहा है। देखा आप सबने, हर रोज आएगा ये, कल भी देखेगा, और देखिए इसका तमाशा। ये बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि उस आदमी की आपसे दुश्मनी क्या है? दुश्मनी मुझसे नहीं है, शमशेर से है। शमशेर भाई से?
आप तो कह रहे थे उनके सगे बहन हुई हैं। ये रिश्ता ही तो दुश्मनी की बुनियाद है बीवी। खैर ये बहुत लंबी बात है, तभी फुर्सत में बताऊंगा। लेकिन वो आदमी हमसे इस बात का क्यों बदला ले रहा है? ये कमीना कमजोर इंसान और कर भी कर सकते हैं। उस दिन टैक्सी स्टैंड पर आकर सबके सामने शमशेरा के बारे में जहर उगलने लगा तो मैंने डांट के भगा दिया। उसे जिल्लत का बदला उतारना चाहते हैं। या अल्लाह, अब क्या होगा? खान साहब, मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है। अगर उस आदमी ने फिर से कोई बेहूदगी की तो? तुम फिक्र मत करो बीबी, मत करो फिक्र। उसमें इतना हिम्मत नहीं है। और अगर उसने इस बात का जुर्रत किया, मैं उसका दिमाग ठिकाने लगा देगा। बस तुम ये सब भूल जाओ। मैं तो भूल जाऊंगी खान साहब, लेकिन लोग तो याद रखेंगे ना। मैं किस किस को वो रोकूंगा? उस 2% के ड्राइवर की ये हिम्मत के भरे बाजार में मुझे जलील कर दे। खानजादे को नहीं मालूम कि उसने किसकी दुश्मनी को दावत दी है। गुलखान, मुझे ललकार कर तूने सांप के बिल में हाथ डाला है। मैं समझता था कि आशिक सिर्फ आपकी बेटी सिमरन की खासियत। आज पता चला कि आपका दोस्त भी काफी रंगीन मिजाज है। गुलखान इस बुढ़ापे में नमाज और रोजा भूलकर एक औरत के साथ अय्याशी कर रहा है। क्या आपको मालूम है? पूर्णिमा, अरे अरे बैठो बेटी, बैठो बेटी, रात बहुत हो गई है, अब तू सो जा। उन्हें आने दीजिए माँ जी, फिर सो जाऊंगी। विशाल न जाने कब वापस आएगा, आएगा भी या लाया जाएगा। आप भी तो जाग रही हैं माँ जी। हाँ बेटी, जब बेटा शराब खाने की चौखट पर पड़ा हो तो माँ को नींद कैसे आएगी, मगर तुम मत जागो, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। माँ जी, मेरा तो सब कुछ उन्हीं का है, वो चाहे तो आबाद करे, चाहे तो बर्बाद, लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप सो जाइए। बर्थडे टू यू, आरती, हैप्पी हैप्पी बर्थडे तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो, साल के दिन हो कि कितने हजार ए टैक्सी। दुनिया
ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। I'm okay. Okay. अकेला छोड़कर जाओगे? आरती